तो लाइट मैंने यहाँ पर निकाल के रख दी है, इसको अभी हम ज़रा सेट करेंगे ठीक है हमारे फ्रेम पे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर मोबाइल गिम्बल ले लिया है। तो जी भाई यहाँ पर पहला जो है वो शॉट के लिए हम रेडी हो चुके हैं, लाइट वगैरह लगा दी है। तो जनाब यहाँ पर हम दूसरा शॉट जो है वो रेडी हो चुका है और दूसरा फ्रेम भी बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। ज़रा अब आइएगा दिखाइएगा फ्रेम कैसा आ रहा है, हमारी व्यूवर्स भी देखें कि कितना प्यारा जो है ये शॉट लग रहा है इस तरफ से ठीक है। ये देखें भाई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और जब ये पैन करेगा ना कैमरा में तो बहुत मजा आएगा इसमें। नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जग मगाने आए, गम के मारो दुखियाँ रो को सीने से लगाने आए। बारहवीं कनूर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अली और आप देख रहे हैं JAQ स्टूडियो व्लॉग। और YouTube की दुनिया में एक ऐसा वाहिद चैनल जो कि प्रोफेशनल स्टूडियो में रहते हुए प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग किस तरह होती है, वीडियो वगैरह किस तरह बनती है, जिसके मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। तो कल का व्लॉग आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने शहबाज कादरी के मीलाद का कलाम जो है वो उसमें तैयार किया था, उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी, उसकी मिक्सिंग हुई थी। और जनाब चूँकि टाइम बहुत कम है तो फौरन से जो है वो हमने उसी वक्त ऑडियो वगैरह तैयार कर ली थी, और आज जो है वो हमने शहबाज कादरी को बुला लिया वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक है, तैयारी है भाई वीडियो की? जी जी। तो भाई चूँकि हमारे पास जो है ना वो टाइम बहुत कम था, आज हम ये रात में शूट कर रहे हैं और आज है 9 रबी अव्वल, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड में जो है वो काम हो रहा है। तो आज इनका शूट हो जाएगा और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इसको कल यानी 10 रबी अव्वल को बाकायदा इसको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं व्लॉग की, ये तब शाया होगी जब ये कलाम अपलोड हो जाएगा। आई थिंक 1 से 2 दिन बाद ही ये वीडियो जो है वो अपलोड होगी। तो पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा पहले ऑडियो वाले ब्लॉग पे जाएं ठीक है, ऑडियो वाला इनका पूरा ब्लॉग देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। फिर उसके बाद ये वीडियो वाली जो है वो मतलब वीडियो शूट करने वाली ये वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ टिप्स भी मिलेंगे और बहुत फ़ायदा भी होगा। अच्छा भाई, मामला ये हुआ कि शहबाज कादरी को तो मैंने बुला लिया था और बाकी दोस्त भी आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन चूँकि उन्होंने अर्ज़ किया कि जावेद भाई हम ज़रा कैमरा में नहीं आना चाहते, तो कोई मसला नहीं है, ब्लॉग में वो नहीं होंगे लेकिन हमारे साथ ही हैं वो। तो भाई मसला ये हुआ कि हमने शूट करना था कैमरा से, लेकिन कैमरा का लेंस जो है ना वो उस पर फिट नहीं हो पा रहा, कुछ उसमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत शॉर्ट टाइम है, तो हमने सोचा कि भाई आईफोन जो है वो उससे हम शूट ले लेते हैं ठीक है। और प्रोफेशनल वीडियो किस तरह तैयार होती है आईफोन से आप भी देखेंगे। नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जग मगाने आए, गम के मारो दुखियाँ रो को सीने से लगाने आए। बारहवीं कनूर बारहवीं कनूर दिल पे छा गया, बारहवीं कनूर दिल पे छा गया। सजा अर्श किबरिया, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आ गए नबी आ गए नबी आ गए नबी। ठीक है, ये वीडियो JAQ प्रोडक्शन पे अपलोड हो चुकी है, जबकि आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो ये अपलोड हो चुकी है। तो आप देखें कि आईफोन 13 प्रो मैक्स से ये शूट हुआ है कलाम ठीक है, और इस वक्त ये वीडियो भी मैं उसी मोबाइल से ही बना रहा हूँ। तो इसकी क्वालिटी, इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि एक प्रोफेशनल काम करने के लिए आपके पास एक बहुत महंगा कैमरा हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। हाँ, आईफोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी फ़ोन्स के मुकाबले में, लेकिन जो ये काम मैं इसमें कर रहा हूँ एक अच्छे कैमरे वाला मोबाइल जो है वो भी ये काम कर सकता है ठीक है। तो जिनके पास आईफोन है वो तो खुश हो जाए भाई कि प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग आप भी कर सकते हैं। जो पहला हमारा शॉट होगा वो हम यहाँ पर लेंगे ठीक है। अभी आपको शायद ये लुक थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब फाइनल वीडियो में आप देखेंगे तो क्या होगा शहबाज,
मजा आ जाएगा। तो लाइट मैंने यहाँ पर निकाल के रख दी है, इसको अभी हम जरा सेट करेंगे ठीक है हमारे फ्रेम पे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर मोबाइल गिम्बल ले लिया है ठीक है, पूरी कोशिश होगी कि इसको एक प्रोफेशनल लुक दें ठीक है। गिम्बल वाला काम करेंगे, जो काम लोग 5 लाख वाले कैमरा से करते हैं वो हम किससे करने वाले हैं, गिम्बल से करने वाले हैं। लेकिन किससे करने वाले हैं, आईफोन से करने वाले हैं। हाँ, अब यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो आप मजाक कर रहे हैं ठीक है, जो 5 लाख के कैमरे का रिजल्ट होता है क्या वो आईफोन में होता है? तो बिल्कुल इसका जवाब ना है, आईफोन में वैसा रिजल्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि एक प्रोफेशनल आप इसको कह सकते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी निकल आएगी। तो जी भाई, यहाँ पर पहला जो है वो शॉट के लिए हम रेडी हो चुके हैं, लाइट वगैरह लगा दी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट में ये बात कहना चाहूँगा, कुछ प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स और डीओपी जो है वो इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो है वो ये ना सोचें क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी गलतियाँ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नहीं हूँ। देखें, ऑडियो के काम में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस है ठीक है, ऑडियो की काफ़ी मालूमात है, लेकिन वीडियो में चूँकि थोड़ी बहुत मालूमात है लेकिन इतना प्रैक्टिस में नहीं है, इतना प्रैक्टिस में नहीं है। चूँकि अब तो एक इमरजेंसी वाला माहौल है तो हमने कहा चले एक वीडियो भी बना लेते हैं और साथ साथ बिलखसूस व्लॉग बनाने के लिए भी यहाँ पर शूट करना जो है वो एक तरह से समझे कि मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर शूट रखा ठीक है। तो जो एक बार फिर जो प्रोफेशनल्स मुझे देख रहे हो तो उसमें यहाँ पर काफ़ी गलतियाँ होंगी और कमेंट करके लाजमी बताइएगा अगर कहीं गलती हुई है तो उसमें मेरी सलाह हो सके। तो जनाब पहला शॉट लेते हैं, शहबाज रेडी हो आप? ठीक है, गिम्बल वगैरह लिया है और यहाँ आईफोन में मैं सिनेमैटिक मोड में जो है वो उस पूरे कलाम को शूट करने वाला हूँ। 3x कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ठीक है, तो आप ऑडियो प्ले कीजिएगा लेकिन सबसे पहले शहबाज रेडी हो? ठीक है। अच्छा, ये आपका पूरा का पूरा जो शॉट है ना, इसमें आपकी आपका आई कॉन्टेक्ट कैमरे पर नहीं रहेगा, सामने रहेगा। और इसका जो इंट्रो है उसको आप फीलिंग में लें, यानी आँखें बंद करके ठीक है, जिसको हम इंसर्ट्स की तरह लेंगे। और दूसरे शॉट में आप फिर इंट्रो में जो है बाकायदा लिप सिंक कीजिएगा ठीक है। तो स्टार्ट करें, एक मिनट ठीक है, आप रेडी हो जाएं शहबाज, चलें ऑडियो प्ले करें, रेडी। नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जग मगाने आए, गम के मारो दुखियारों को सीने से लगाने आए, बारवी कनूर बारवी कनूर दिल पे छा गया। कोशिश ये होनी चाहिए, स्माइल स्माइल भाई, खुशी का मौका है। यहाँ पर हम दूसरा शॉट जो है वो रेडी हो चुका है और दूसरा फ्रेम भी बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। जरा आप आइएगा दिखाइएगा फ्रेम कैसा आ रहा है, हमारी व्यूवर्स भी देखें कि कितना प्यारा जो है ये शॉट लग रहा है इस तरफ से ठीक है। ये देखें भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और जब ये पैन करेगा ना कैमरा में तो बहुत मजा आएगा इसमें। अच्छा, ये शॉट ऐसा है कि जिसमें देखने में ऐसा लगता है कि नाफ़ना जो है वो अभी इसी वक्त माइक पे पढ़ रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा होता, वो सिर्फ लिप सिंक कर रहा होता है। आप सब जानते हैं कि इस शॉट में जो है मतलब वीडियो इस तरह बनती है कि सबसे पहले ऑडियो तैयार होती है और उसके ऊपर फिर बाद में लिप सिंक होती है। तो मेरे ख्याल से हम शुरू कर दें ठीक है, शहबाज आप रेडी हैं? अच्छा, इसका जो इंट्रो था ना, इसमें इस शॉट में आप इंट्रो को बाकायदा बोलेंगे। अच्छा, व्यूवर्स को एक बात और शेयर करना चाहूँ कि भाई देखें, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, तो इसीलिए ब्लॉग में जो है वो सिर्फ 2 शॉट्स हम दिखा रहे हैं ठीक है, इसके बिहाइंड द सीन। ये शॉट भी अभी आप देखेंगे अच्छा खासा ठीक है,
सिर्फ दो शॉट्स दिखा रहे हैं आपको। अभी इसके मजीद हम तीन चार टेक और भी लेंगे, लेकिन चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो इसलिए उनके ब्लॉग शायद हम ना बना पाए, तो इस शॉट को आप जरा एंजॉय कीजिएगा। आखिर में फिर आपसे कुछ बातें करनी है, चंद बातें, वो फिर इंशाल्लाह करते हैं। तो रेडी है शहबाज? चलें 3 2 1 स्टार्ट। नूर से अपने स्माइली फेस आएगा, दुनिया जगमगाने आए, फ्रेम दिखाएं, फ्रेम बहुत जबरदस्त आ रहा है। दुख यारों को सीने से लगाने आए, बार भी कनूर, ठीक है आप माइक की तरफ भी देखेंगे, सही इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। जब तक बन रही एक शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना शॉट इस कैमरा से, इससे यानी ये व्लॉग देख रहे हैं आप, क्योंकि जिससे भाई बना रहे हैं, वहाँ का व्यू तो बिल्कुल डिफरेंट है और इस फ्रेम का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसका फाइनल व्यू जब आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। शहबाज स्माइल के साथ आएंगे, ये चीज बहुत जबरदस्त, दोनों जोश के साथ आएंगे। सर देखिए पैन जो मैं कर रहा हूँ ना, स्मूथ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस बहुत कम है, ठीक है। वरना गिम्बल के तो आपने बहुत से शॉट देखे होंगे जिसमें बाकायदा भाग के भी शॉट किया जाता है, तो गिम्बल का एक ये फायदा होता है कि इसमें आप जब पैनिंग कर रहे होते हैं ना, चाहे वो अगर मोबाइल का हो, ठीक है, मेरी तवज्जो जरा इधर भी है, मोबाइल का हो या फिर कैमरे का हो, गिम्बल आपका स्मूथ चलना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी के आते हैं, मोबाइल वाले भी आते हैं, कैमरा वाले भी आते हैं। मोबाइल वाले मेरे ख्याल से ये तो मेरा पुराना परचेज किया हुआ है, उस वक्त तकरीबन एक बेसिक मैंने वैसे ही लिया था, तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपये का था, लेकिन इसमें बहुत सी क्वान्टिटी के आते, अच्छा बहुत से ऊपर इंडिया से भी देख रहे हैं तो वहाँ तो सस्ता होगा, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा लास्ट शॉट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बड़ा मज़ा आया वीडियो को शूट करने में। और इस तरह की जब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इस तरह की एक्टिविटी होती हैं, तो मज़ा आता है। और मेरे ख्याल से आईफोन का जो वीडियो शूट का एक्सपीरियंस है शहबाज के साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, तो शहबाज से ही तासुरात लेते हैं कि भाई वैसे तो इन्होंने बड़े बड़े स्टूडियोज़ में जाके वीडियोज़ रिकॉर्ड कराई हैं, हीरा स्टूडियो, इसके अलावा दीगर स्टूडियोज़ में मीम स्टूडियो, तो ज़रा जे ए क्यू स्टूडियो के अंदर वोकल तो खैर बहुत बार रिकॉर्ड हुई है इनकी, लेकिन जे ए क्यू स्टूडियो में फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो शूट हुई है, तो इन्हीं से ज़रा तासरा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बताएं? जी हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और कलाम भी बहुत ज़्यादा जोशीला था। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जब शूट हो रहा था तो ऐसा पता नहीं चला कि मोबाइल से शूट हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, जब मेरे तकरीबन 50+ कलाम हैं उनमें भी जब DSLR से शूट होता था तो सही, मगर ये नहीं, इसके अंदर भी सही था, बिल्कुल अच्छा, सही अच्छा। दिखा जी, क्योंकि उसमें भी जाहिर सी बात है गिम्बल लगा हुआ होता था जी, और यहाँ हाँ, भी गिम्बल था और उसी तरह पैनिंग हो रही थी, तो आपको फील हुआ कि भाई हो ही नहीं रहा जी, ठीक है। इसी के साथ जब मैंने इसके क्लिप्स देखे आपके मोबाइल में तो उसमें भी ऐसा पता ही नहीं चला कि मोबाइल से शूट हुआ। असल में आईफोन है ना, फिर आईफोन तो फिर आईफोन है ना, क्या ख्याल है, ठीक है। तो खैर अच्छे शॉट्स बने, लेकिन अगर कोई भाई गिम्बल यूज नहीं भी करता ना तो आईफोन का कैमरा वैसे भी उसको थोड़ा सा देखें, जैसे अब ये इस वक्त गिम्बल यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मूव कर रहा हूँ, पैन कर रहा हूँ, तो ये फिर भी थोड़ा बहुत स्मूथ पैन कर रहा है। और इसके अलावा अगर बिलफर्ज किसी के पास आईफोन ना हो तो क्या वो ये टेक्निक यूज़ करके वीडियो बना सकता है अपनी?
जी हाँ कर सकते हैं, कर सकता है ना, तो एक मोटिवेशन है हमारा मकसद जो है ना, बाज लोगों के पास अगर कैमराज नहीं है तो एक मोटिवेशन प्रोवाइड भी करना है कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनकी मदद से भी वीडियो बना सकते हैं, कोई वो कैद नहीं है। ठीक है, तो क्या ख्याल है, लोगों को वीडियो एडिटिंग का भी दे दें व्लॉग? हाँ जी जी दे दें। और इसी के साथ एक और बात कहूंगा कि कलाम तो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों तो मस्ट वॉच करना ही है, और लाइक तो आप लोग करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, मगर कमेंट्स में आप लोगों के पढ़ूंगा, ठीक है, खुसूसी कमेंट्स पे तवज्जो दूंगा, हर एक का पढ़ूंगा। कौन से वाले पे, इस व्लॉग वाले कमेंट पे या फाइनल में? इस वीडियो वाले व्लॉग पर, वीडियो वाले व्लॉग पे, ठीक है, इस पर मैं खुसूसी, मतलब फाइनल फाइनल वाली वीडियो पे कोई कमेंट भी ना करे? नहीं नहीं उस पर भी करें, हाँ उस पर भी चाहिए, उस पर भी तवज्जो दूंगा, मगर इस पे खास करूंगा। तो भाई शहबाज कादरी आप सबकी कमेंट्स को रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भाई भी देख रहे हैं ना वीडियो को, मैं तो कहता हूँ बस कर दें कमेंट अभी से कर दें, बाकी वीडियो बाद में देखिएगा, अभी से कमेंट कर दें, क्या ख्याल है? कमेंट कर देंगे, लेकिन यार चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे बस हमने व्लॉग देखा निकल गए। नहीं नहीं चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ी तो फिर मैं इस चैनल पे आता रहूंगा बार बार। क्या बात है भाई, क्या बात है, शहबाज कादरी आते रहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही भाई आपको बताता चलूं कि ये थी हमारी वीडियो शूट किस तरह करते हैं, ठीक है, उस हवाले से पूरा ये ब्लॉग था। तो मैंने ये सोचा है कि भाई एडिटिंग पर भी व्लॉग बना लिया जाए, क्या कहते हैं? लेकिन इस कलाम की एडिटिंग पे नहीं, चूंकि ये फौरन ही मुझे देना है, लेकिन एक टारगेट देते हैं भाई हम, वीडियो की लाइक का टारगेट देते हैं कि इतने लाइक हो जाएंगे तो वो वाली वीडियो आ जाएगी। कितना कितना टारगेट है? 50,000 भाई, 50,000 लाइक इस वीडियो पे आ जाएंगे तो उसके बाद वीडियो एडिटिंग वाला ट्यूटोरियल आ जाएगा, क्या ख्याल है? 50,000 बहुत ज्यादा है, 25, बहुत वेट करना पड़ेगा, 25 सही है, 25 कर दिया, 5 मैंने कम कर दिया भाई, क्या याद करेंगे, 20,000 लाइक लाने भाई इस वीडियो में, ठीक है। तो जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फौरन से लाइक कर दे, ठीक है। तो और कुछ बातें शहबाज भाई आप कहना चाहेंगे? अच्छा एक चीज आपसे पूछनी थी कि भाई आपने बताया कि 50+ कलाम आपके हो गए, तो अगर कोई नया व्यूअर देख रहा है तो उनको आपके कलाम मजीद और कौन कौन से चैनल्स में उनको देखने को मिल सकते हैं? हीरा गोल्ड पर भी हैं, मीम पर भी हैं, बहुत सारे चैनल्स पर है, ठीक है, और आपके चैनल में भी काफी आ गए हैं, JAQ भाई, JAQ प्रोडक्शन करके हमारा चैनल है, उस पर भी है, और मजीद आते रहेंगे या बंद हो गए? नहीं नहीं आते रहेंगे, आते रहेंगे भाई, कलामों का सिलसिला जो है वो जारी है। और रब्बी लवल का ये आपका कौन सा कलाम है? अभी दूसरा कलाम है, ये दूसरा कलाम है इस 2023 का। हाँ। पहला वाला कलाम कहाँ पर रिलीज हुआ है? पहला वाला कलाम मीम प्रोडक्शन, मीम प्रोडक्शन पर रिलीज हुआ है, तो भाई वहाँ पर भी लाजमी जाएं, बहुत अच्छा जो है वो वोकल रिकॉर्ड हुआ हुआ है, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, ठीक है, तो उसको भी जाके क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, वहाँ भी कमेंट कर दें भाई शहबाज भाई का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस व्लॉग में, तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में, किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।